हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं चली घर। आज हमारे यहाँ बादल है और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है। और मैंने इसको आशीष को स्कूल छोड़ा है और मैं थोड़ी सैर हो जाएगी अब सुबह सुबह। ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है, लौट लौट कर वापस आ रही है। ठंड हो रही है फिर से। तो लिया मैंने थोड़ा सामान, दो चूरन लिए अपनी बेटी के लिए, एक बिस्कुट का पैकेट, बेचारी खुश हो जाएगी। चल आज उठ, चलो अंदर बैठो, मैं चाय लेके आऊंगी, चाय पीऊंगी मैं। हाँ, ये जल्दी बनी। बाय कर दो अपनी मम्मा को। आज करुणा को करुणा की फ्रेंड मिल गई, इसी के बराबर है। देखो है करुणा, तेरी दोस्ती अच्छी है, है? दोस्त मिल गई तेरे को। हल्ला नहीं करो, तुम्हारे डैडी सो रहे हैं। ए भगवान, इनको जल्दी उठा देना, 12:30 बजे तक, 1 बजे मेरे बेटे को लाना है। करुणा, कितनी बार कपड़े बदलती हो तुम, बार बार हैं? क्या हुआ, लग गई? हाँ, ये सॉस खा के आ रही है पड़ोसी घर में, देखो कितना सॉस गिरा है। बस मैं इसके कपड़े चेंज करते रहूँ, कपड़े धोती रहूँ मैं इसके। है एक ढंग की फ्रॉक पे ना, वो भी पहनी नहीं जाती इस पे। डांटना जरा इसको, ये मांग मांग के खाती रहती है। एक रत्ती भर भी अपनी बेटी को नहीं डांटता, मेरे को डांट देगा पर अपनी बेटी को नहीं डांटेगा। कुछ कह रहे थे क्या, मेरे काम बता रहे कुछ? हाँ, वो मैं दूध गर्म कर दी हूँ क्या? मुझे क्या पता, खिड़की खुली हुई छोड़ रखो। क्या आवाज मार रहा था? मैं लेटी भी थी यहाँ पे, मैं कहाँ बैठू है ये बता। थैंक यू। कहाँ जा रही है, पूछ के जा रही है? उस दिन क्यों भागी थी बिना पूछे, जल्दी बता। है नीले के साथ राधिका के साथ, फिर घर में मैंने उसको डांटा। नीले के जाने में कन्ना को, तुम अपनी कन्ना अपने पास रख लो, मैं जा रही हूं। बाय। क्या रे, चप्पल पहना के छोड़ के जा रही मेरी बिटिया को? जाएगी मेरे साथ? नहीं 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 चलो चलो, बाय कर दो, बाय पहले, बाय करो, बाय पहले, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। अकेले आशीष का रेडी अपने आप ही आज याद आ गई। वैसे मैंने सोचा था तो मैं बोलूंगी कि तुम ना स्कूटी थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया करो, मेरे घर में स्कूटी खड़ी है और मैं पैदल जाती हूँ बेटे को लेने के लिए। पति के बीच में सास को क्यों लाते हो? मेरे को अपनी सास की बहुत याद आती है ना, मेरा पति कभी नहीं फील करने देता मुझे। बिल्कुल सारे गुण हैं इसमें, सास के, ननद के, देवरानी के, जेठानी के, तभी तो मेरे को सिंगल एकमात्र एक पति मिला है मुझे, ताकि कोई कमी नहीं छोड़े भगवान ने इसे बनाते हुए देते हुए। भगवान ने बोला सारे गुण हैं इसमें, एक ही मॉडल बहुत है तेरे लिए, इसको ही झेल जा, वही बहुत है। स्टार्ट। हाँ, हुई थी स्टार्ट, हुई थी धड़ाम धड़ाम से आवाज। खराब हो गई। ओ, हो गई स्टार्ट। रहे चलती भी है ये। 5 मिनट है, 5 मिनट। देखो क्या कवाड़ा है मेरी स्कूटी, पर चलती फिर भी है। गए डाड़ी, क्योंकि करुणा वहां खड़ी हुई ना, दिख गई मुझे, वो आ गई। चलो मैं अकेली नहीं हूँ घर पे, अब कोई मांगने वाला आ रखा सामने से ना, कोई ढोलक बजा बजा के मांग रहे। चल चलो चलो, एक्शन दिखा रही की फोटो खींच रही है मेरी। कह रही 1:30 बज गया, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा। धन्य हो कि मेरे हस्बैंड दिखे, मैं ना दोनों को दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए, फोन करने जा रही थी मैं नहीं, कोई लड़की मेरी भाग गई इनको देख के, आश्रम वालों को लेके आ गया। आखिर तू कोल्ड ड्रिंक है, सुबह सुबह कह रहा कोल्ड ड्रिंक दिलाओ, कोल्ड ड्रिंक दिलाओ, मैंने नहीं दिलाया, 2 चूरन दिलाए मैंने। मैंने कहा था ना दोपहर में पीते हैं इसको, सुबह सुबह कहाँ लेके जाता बोतल, मैडम डांटती तेरे को। मेरी छुट्टी है आज, मेरे हस्बैंड बनाएगा मेरे लिए खाना और मैं खाऊंगी। ये बात सच्ची है, सच्ची घटना पर आधारित। खान का हमेशा बेकार पहलू नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा भी दिखाना चाहिए। खाना उस दिन हमारा झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ था कि खाना बनाया था, इन्हें सोचा कि मैंने नहीं खाया, तब डांट रहा था ये मुझे, बताओ इतना प्यार, इतना प्यार। अब इसको दूध नहीं पीना क्योंकि इसने देख लिया कोल्ड ड्रिंक। जब भैया इसके लिए ग्लास में, तो नोनू बना रहा है अंदर खाना और मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मैं आशीष को पढ़ाऊंगी और मैं करूंगी आराम। दिया मैडम ने काम दिखा, कुछ भी दे नहीं दे रखा,
ये तो मेरी कॉपी है, मेरे घर की कॉपी है, इसमें मैं पढ़ाती हूँ। इस वाले में देख क्या दे रखा, बाबी 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 की बात दे रखा इसमें। एक काम, नोनो बना गया है सब्जी और मैं गूंथ रही हूँ आटा, और फिर बैठेंगे दोनों खाएंगे। और पता गुस्सा क्यों आ रहा था मेरे से उस दिन, कि उसका बनाया हुआ खाना मैं नहीं खाती, इसलिए गुस्सा हो रहा था। कह रहा था मेरे सामने बैठ के पहले तू खियो, बाप रे। वैसे वो मुझे वीडियो बनाने के लिए हमेशा मना करता है, वो गया ना तो मैं थोड़ा शूट करूँ। इसमें हाथ से कोल्ड ड्रिंक बोतल ऐसे हिला दी और फिर हिला रहा है, और खोलेगा ना सारी कोल्ड ड्रिंक ऊपर चल जाएगी, पीने लायक भी नहीं बचेगी, इतना झाग रह जाएगा उसमें। बन गया मेरा धनिया लेने के लिए, चटनी बनाएंगे। हाँ ठीक है, और करुणा को भी ले गए हैं साथ में। अच्छा मैं कर दूँ तेरा काम है, ठीक है। ये वाला सारा का सारा तू लिख, ये वाला सारा तू लिख, और ये वाला भी सारा सारा तू ही लिख, क्योंकि ये तेरे पेपर है, तेरे को लिखना जरूरी है। और हमारे ना बगल में फंक्शन चल रहा है भात नोतने का, तो मुझे बुलाया था, तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो मुझे नहीं जाऊंगी मैं उनसे बिना पूछे। वो बोलेंगे चले जा तो चले जाऊंगी, वरना तो घर में खाना बनाने वही खाऊंगी। और मैंने तो कढ़ाई भी नहीं खोली, मैंने सोचा गिर गया ना, मुझे डांटेगा बोलेंगे ना कि तेरा वीडियो बनाने के चक्कर में आता है। आ गई घूम के है, ना चप्पल ना कुछ ना कुछ, ऐ भाई भाग गई थी है। गग्गू अंगूर लाया है, अंगूर कन्हा दे दे, एक दे दे, जवान दे दो भैया को, दे दो मुंह देखो, एक ही एक ले लिया मेरा अंगूर। बैठो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चलो फ्रेंड्स, तो मैं बना रही हूँ फुलके, आप में से किसी को खाने हैं, मेरे साथ खाना खाना है तो कमेंट में लिखो। तो उन्होंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, और ग्रेवी ग्रेवी बनाता जो भी सब्जी बनाता है, ये चाप छुप कुछ बनाया था इसने, मस्त एकदम। आशीष फोन में ऐसा घुसता है ना कि खाना नहीं खा रहा है, पापा जा रही हूँ शिकायत करने के लिए कि ये खाना नहीं खा रहा है, फोन देख रहा है। हाँ फिर फटाफट से खाना खा। ये जनाब घर में आग लगाएंगे, माचिस लेके घूम रही है, लाओ दे दो, लाओ माचिस दो, लाओ। ये बंदा बाहर बैठ के खाना खा रहा है। गलती से मेरा फोन ऐसे पटक के फेंक दिया था, और उन्होंने ऐसे घूर के देखा, मैं डर गई, मैं लाती मेरे को पक्का डांटेगा, और फिर मेरा रोना चालू। ये सोएगा फिर जाएगा काम पे, सो जा फिर, चल अपनी बिटिया को भी सुला दे यार, अभी टाइम है, वरना ये शाम को उठ के मेरी वाट लगा देगी। बाप बेटी सो गए हैं और ये फोन दिख रहा है, मैं चली बाहर, बाहर का माहौल देखूं, गाना बजाना बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा है मुझे कि मैं उसे 7 बजे उठा दूं कि वो काम पे जाएगा। वैसे उसकी आज की छुट्टी रहती है, लेकिन ना हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा बुरी, तो इसलिए वो डबल डबल मेहनत कर रहा, डबल डबल काम कर रहा। ऐसी बात नहीं कि वो बुरा इंसान है, तो अच्छा इंसान, लेकिन उसके दिमाग में कभी कभी ऐसी सनक बैठती है ना कि मेरे से इतना बेकार लड़ता है ना कि मुझे ही घर से भगाता है कि तू चले जाए यहाँ से, जैसे मैं उस पर बोझ बन गई हूँ या उसका कर्जा कुर्जा हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है। बट मैं नहीं जाती, मैं सोचती हूँ कि ये समय टल जाएगा, ये सोचकर फिर मैं घर में रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं करना कि मैं उनको लेके चली गई और उनका भविष्य ख़राब कर दूँगा। तो मैं थोड़ा मैंने सोचा ये समय टल जाएगा, ये समय टल जाएगा, बस टल ही रहा है रोज़ रोज़। शाम के 6 बज रहे हैं और ये देख रहा है फ़ोन, और मैं सोच रही हूँ कि करुणा उठ जाती तो ठीक था, वरना पता है रात भर हमको तंग कर देगी। इस टाइम मुझे याद आ रहा है कि मुझे चीनी पत्ती लानी है, और मेरे हस्बैंड चीनी पत्ती नहीं लाए, मैंने दिन में मंगाया था उनसे, अब वो चले जाएंगे जॉब पर, और मैं जा रही हूँ चीनी पत्ती लाने, क्योंकि 7 बजे जाएंगे वो, तो मेरे पे 1 घंटा है भी, तो भागो। पहुँच गई मैं दुकान, बस मेरी लड़की ना उठ जाए, लड़की सो रही है। बिना चश्मे के इस टाइम आंखों की हेडलाइट ही बुझ जाती है, शाम का सूरज ढलते ही साथ। मेरे साथ भी यही हो रहा है, फ़ोन में तो चल सही दिख रहा है, लेकिन नेचुरल में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है देखने में। अभी मेरी बुआ मिली थी, जो कि मुझे पहचान में भी नहीं आ रही थी, वो इतनी पास में खड़े होके मेरे को कहती किरण किरण। पहुंच गई मैं घर, हमें बीटीएस हो रही है अभी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, टाटा। दुआ करना कि मेरा सब कुछ अच्छा चले, मेरा घर बार अच्छा चले, और मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे।